चलिए आगे बढ़ेंगे। जो भारतीय नौसेना में आज स्कॉर्पियन श्रेणी की नई पनडुब्बी आईएनएस करंज शामिल हो गई है। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने मुंबई के मझगांव डॉक पर इस स्वदेशी पनडुब्बी को लॉन्च किया। ये नई पनडुब्बी हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को देखते हुए खासी अहम मानी जा रही है। बता दें कि आईएनएस कलवरी और खांदेरी के बाद आईएनएस करंज को भी मेक इन इंडिया के तहत पूरे भारत में बनाया गया है। ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्निक से लैस है। इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड एकाउंटिस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक भी लगी है, जिसे बेहद धीमी आवाज में सूचनाएं भेज सकती है। स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी सबमरीन करंज प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से बनाए जाने वाली 6 सबमरीन में से तीसरी है। इस क्लास की पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को पिछले साल 14 दिसंबर को लॉन्च किया गया था।